31 जुलाई को नू में हुई हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी को मंगलवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे फरीदाबाद से गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को काफी पसीना बहाना पड़ा, जिसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है। दरअसल बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस ने बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी की। बता दें, वायरल सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि जैसे ही नू की सीआईए की टीम सिविल वर्दी में बिट्टू के घर पहुंची, तो पुलिस को देख बिट्टू बजरंगी भागने लगा। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक के बाद एक पुलिसकर्मी बिट्टू के पीछे भाग रहे हैं और बिट्टू पुलिस के चुंगल से भागता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस गली में पूरी भागदौड़ हुई, वहां पुलिस की रेड से अफरा तफरी भी मच गई। हालांकि थोड़ी देर बाद ही बिट्टू बजरंगी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। रिपोर्ट्स की माने तो बिट्टू बजरंगी के साथ 15 से 20 लोगों ने नू में महिला पुलिस अधिकारी के सामने तलवार और अन्य हथियारों के साथ विरोध करते हुए नारेबाजी की थी, जिसके लिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद बजरंगी से हिंसा पर पूछताछ की जाएगी, लेकिन ब्रज मंडल यात्रा के दौरान इस पर पथराव हो गया। देखते ही देखते ये दो समुदाय की हिंसा में बदल गया। माहौल इतना गर्मा गया कि सैकड़ों कारों को आग लगा दी गई। साइबर थाने पर भी हमला किया गया, फायरिंग भी हुई, पुलिस पर भी हमला हुआ। नूह के बाद सोहना में भी पथराव और फायरिंग हुई, जिसके बाद हिंसा की आग देखते देखते पूरे हरियाणा में फैल गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।